लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में वोटिंग के लिए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग कई तरह के कार्यक्रम का आयोजन करता है और कर भी रहा है। इसी क्रम में बिहार की मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर दरभंगा पहुंची और लोगों को मतदान करने के लिए शपथ दिलाई। इसके बाद लोगों के बीच अपने गीतों के माध्यम से भी लोगों से भारी संख्या में मतदान की अपील की। इसके बाद मैथिली ठाकुर ने एक रोड शो भी किया जो दरभंगा शहर के सभी प्रमुख सड़कों से होकर गुजरा। देखिए, अपील करती हूँ कि भर भर के वोट करें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी एलिजिबल हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन सब लोग उस दिन पता नहीं क्यों आलस आ जाता है और ये सोचते हैं हमारे एक वोट ना देने से क्या ही बदल जाएगा। ये जो मानसिकता है, इसके वजह से काफी पिछड़ के रह जाता है अपना क्षेत्र। इसीलिए यही सभी से मैं निवेदन करूंगी कि आलस्य को छोड़े और मतदान करें, उसके बाद जलपान। मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए चुनाव आयोग नए प्रयोग भी कर रहा है। महाराष्ट्र के सतारा जिले में कुछ खास प्रयोग किए गए। यहां पर अलग अलग थीम पर मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं पोलिंग स्टेशन को सेना के रंग में रंगा गया है और दूसरी तस्वीर में बांस का प्रयोग किया गया है। इन मतदान केंद्रों पर आकर मतदाता काफी खुश हैं। हमारे संवाददाता अभिजीत करांडे ने जायजा भी लिया और अधिकारियों से बातचीत की। सुनिए तो वो बातचीत भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले ये दो तस्वीरें दिखाना और समझाना जरूरी हो जाता है। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से सेना के थीम पर पोलिंग स्टेशन को तैयार किया गया है, जिसके बाद लोगों के अंदर पोलिंग स्टेशन को देखने की भी एक्साइटमेंट बढ़ रही है। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं वोटिंग के लिए मतदाता प्रेरित हों, इसीलिए खास तरीके से मतदान केंद्र तैयार किया गया है। यहां आपको बांस का प्रयोग नजर आएगा और इसे देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो देखिए, ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से लोगों के अंदर उत्साह है मतदान को लेकर। और प्रधानमंत्री को भी आपने इससे पहले सुना, प्रधानमंत्री ने कहा कि मतदान महादान है, सबसे बड़ा लोकतंत्र का पर्व है और इसी को एक उत्सव की तरह से मनाएं। बेशक गर्मी है, लेकिन अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। समय समय पर प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हुए नजर आए हैं और अभी भी आपसे अपील है कि जो लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए नहीं गए हैं, अपने घरों से निकलें और मतदान करें। लोकसभा का तीसरा फेज का चुनाव हो रहा है, आज पोलिंग स्टेशन शुरू हुआ है और एक एक अनोखा पोलिंग स्टेशन है जिस पर बांबू का उपयोग किया गया है। और जो भी इस पोलिंग स्टेशन पर मतदाता आएंगे, वोटिंग करेंगे, उनके लिए एक बांबू का पेड़ भी भेंट करके दिया जा रहा है। हमारे साथ कलेक्टर साहब है जितेंद्र रूड़ी और एडिशनल SP आंचल दलाल मैडम है। सर, क्या संकल्पना है और किस तरीके से इसको खड़ा किया गया? हमने सतारा में कुछ पोलिंग स्टेशंस बनाए हैं अलग अलग थीम्स पे। उद्देश्य ये है कि अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ तो पिछले इलेक्शन से हमने हर जगह उपलब्ध करके दे दी हैं। इस बार हम उससे एक कदम आगे जाना चाहते थे कि अपने जो वोटर हैं उनको एक अलग तरीके का एक अनुभव दें और उस अनुभव के द्वारा उनको एक मैसेज भी दें। जैसे कि यहाँ पे बैम्बू और पर्यावरण की थीम पे ये पोलिंग स्टेशन बनाया, जिससे कि लोग कुछ लोगों को हम पेड़ भी दे रहे हैं एक बैम्बू का, तो उससे लोगों में एक पर्यावरण को लेकर जन जागृति हो, जब वो वोटिंग कर रहे हैं तो उनको एक अलग तरीके का अनुभव हो। तो ये उद्देश्य ऐसे अलग अलग थीम्स है, कई जगह स्ट्रॉबेरी की थीम की है, कुछ जगह अपने जो सेना है उसकी थीम की है, कोयना बैकवाटर अपना एक है, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प है, इनकी थीम्स पे की है। तो उद्देश्य है कि अपने जो वोटर हैं उनको एक अलग तरीके का अनुभव आना चाहिए जब वो पोलिंग करने के लिए, वोटिंग करने के लिए यहाँ पे। कितने बैम्बू के पेड़ आप दे रहे हैं आज इस पोलिंग स्टेशन पे, कितना वोटिंग है? हाँ, तो वोट यहाँ पे हमारे पास में 4 पोलिंग स्टेशन हैं, तो चारों के मिला के करीब करीब 4,500 टोटल वोटर हैं हमारे यहाँ पे, हैं हमारे पास में कुछ 700-800 पेड़, तो टोकन बेसिस पे कुछ लोगों को हम देंगे।